हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज मैं आप सभी के साथ हम सभी का फेवरेट पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हालांकि मैंने पास्ता की रेसिपी पहले भी शेयर करके रखी है, लेकिन वो थोड़े से डिफरेंट तरीके के पास्ते हैं। आज हम बनाएंगे इसका बिल्कुल सादा वाला वर्जन कि हर कोई घर पर बना पाए। तो यहाँ पर हमने एक पैन में 2 ग्लास के जितना पानी लिया है, जिसमें आधा छोटा चम्मच के जितना मैंने नमक डाल दिया। पानी में उबाल आ जाए उसके पहले आपको 1 चम्मच के जितना इसमें रिफाइंड ऑयल डालना है, इससे आपका पास्ता चिपकेगा नहीं। इसी के साथ मैंने 2 कप के जितना पास्ता डाला है। ये करीबन 4 लोगों के लिए सफिशियंट है, तो इसमें 4 प्लेट बनके तैयार हो जाएंगी, क्योंकि पास्ता पकने के बाद फूलता भी है। इसे मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट के लिए ही पकाना है, उससे ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो ये हलवा हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका फर्म टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है आपको। मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे, इस तरीके से उबाल आ जाए। तो ये पास्ता हमारा पक चुका है, इसे हम छान लेंगे। इसके पहले मैंने जो पास्ता की रेसिपी शेयर की थी वो टोमेटो यानी कि टमाटर के साथ दिखाया था। तो अगर आपको टमाटर के साथ पास्ता देखना है तो आप मेरी वो रेसिपी जाके देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल के रखा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर अभी भी फर्म है, एकदम से गला नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। इसे हम छान लेंगे और ये हमारा पास्ता बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। अब एक नॉनस्टिक कढ़ाई में मैं 1 चम्मच के जितना तेल ले रही हूँ। आप नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा चिपकता है, इसलिए मैं नॉनस्टिक कढ़ाई प्रेफर करती हूँ, क्योंकि तेल कम लगता है। फिर इसमें 1 चम्मच के जितना कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच के जितना कटा हुआ लहसुन, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से डालें। इसमें कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुझे अपना पास्ता थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, तो इसलिए मैंने 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, जिसका टेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ अब उसमें हम डालेंगे 1 कटी हुई प्याज और साथ में 1 डाइसेस में कटा हुआ गाजर। इसे एकदम से गलाना नहीं है, हल्का सा सॉटे करेंगे एकदम हाई फ्लेम पे। फिर इसके बाद इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे। प्याज और गाजर को 2 मिनट के लिए सॉटे करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास हरी शिमला मिर्च है तो उसके बीज हटा के उसे भी चॉप करके ऐड कर दे। तो यहाँ पे 1 बड़े आकार की हरी शिमला मिर्च मैंने यूज़ की है, ये हमने डाल दिया। इसे भी हमने गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉटे करना है, सब्जियों में क्रंच बना रहना चाहिए। इस पास्ता के लिए जो सब्जियां हम कुक कर रहे हैं, इसे हम जैसे चाइनीज वेजिटेबल हम सॉटे करते हैं हाई फ्लेम पे कि क्रंच बना रहना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से सॉटे करेंगे। इसे गलाना बिल्कुल भी नहीं है, तभी आपको पास्ते में मज़ा आएगा जब वो बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए सब्जियाँ एकदम क्रंची बनी हुई है, लेकिन अच्छे से सॉटे हो चुकी हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पास्ता जो हमने पहले से बॉयल करके रखा है। ये देखिए पास्ते ने अपना जो टेक्सचर एकदम होल्ड किया हुआ है, हलवा नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको 5 मिनट से ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है, नहीं तो एकदम गल जाएगा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पास्ता बनाने में। हाई फ्लेम पे ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही बेसिक से मैं मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि ये हम ड्राई वर्जन ऑफ पास्ता बना रहे हैं। इसके पहले मैंने जैसे कि टोमेटो वाला पास्ता दिखाया था, वो थोड़ा सा इससे गीला बनता है, लेकिन ये जो ड्राई वाला पास्ता होता है इसमें लहसुन और अदरक का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से भी पास्ता ड्राई कर सकते हैं। अच्छे से मिला ले। अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही बेसिक से मसाले। सबसे पहले 1/4 छोटा चम्मच के जितना काली मिर्च कुटी हुई या काली मिर्च का पाउडर। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट मैगी मसाला। इससे इस पास्ता का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैगी मसाला में नमक होता है पहले से, तो बाद में हम नमक इसमें थोड़ा ही डालेंगे, तो मैंने नमक एडजस्ट करने के लिए थोड़ा ही डाला है। अच्छे से मिला ले, क्योंकि हम थोड़ा सा देसी वर्जन ऑफ पास्ता बना रहे हैं, तो इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। 1/4 छोटा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच के ही जितना लाल मिर्च पाउडर, और तीखा बनाने के लिए अगर आपको हरी मिर्च से ज़्यादा तीखा करना है तो आप हरी मिर्च और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये पास्ता बनके बिल्कुल रेडी है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा आसान है इसे बनाना, कोई भी बना सकता है। और बेस्ट पार्ट इसमें ये जो इसकी स्किन पे एक क्रिस्पीनेस आ जाता है, वो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें हमने टमाटर नहीं डाला है, तो पास्ता कहीं कहीं से क्रंची भी हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में।
तो आई होप दोस्तों आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आए हो, आज की रेसिपी बहुत पसंद आई हो। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड कीप कुकिंग।